बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो एक फ़ंड जो है रिलीज़ किया है, उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें जो आर्जी तौर पर जो है वो जो जो लोग बेरोज़गार है उसके आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद उसको जो है आर्जी तौर पर एज ए PhD जो है वो अपॉइंट करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है और किस तरीके से आपने इसमें रजिस्टर होना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और वेबसाइट पे चलते हैं और एक एक प्रोसीजर में आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से उसमें से रजिस्टर होना है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे ऑलरेडी ये वेबसाइट मैंने ओपन किया है, ये KPESEO। तो यहाँ पे अगर आपको लिंक नहीं मिल रहे तो आप जो है सर्च कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ईमेल मौजूद है तो आपने ईमेल इंटर करना है और पासवर्ड दे के इसको साइन इन करना है। अगर अदरवाइज आपके पास ईमेल नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मेरा ईमेल मौजूद है, मैं क्या कर देता हूँ कि अपना ईमेल जो है वो टाइप कर देता हूँ। वेबसाइट पे हम साइन ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं जो है मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो इसके मैं आपको फर समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इमेज जो है अपलोड करना है। तो इमेज में आपने ख्याल करना है कि आपकी इमेज की साइज़ जो है वो मैक्सिमम से कम मिनिमम हो, यानी 100 KB से ऊपर ना हो। अगर 100 KB से आपकी इमेज की साइज़ हो तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। फर्स्ट का पहला काम आपने ये करना है। इसके बाद अब आ जाते हैं जनाबी वाला, यहाँ पे आता है कि आपका आईडी कार्ड नंबर, तो ये आईडी कार्ड आप लोगों ने यहाँ पे देना है। इसके बाद आपने एप्लीकेंट नेम, अपना नाम यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर जेंडर जो है आपका मेल फीमेल हो तो फीमेल लिखते हैं, अगर अदरवाइज मेल लिखते हैं। यहाँ पे आपने बटाग्राम, यूनियन काउंसिल, सिटी और ये सब आपको पता होगा कि क्या क्या करना है। आगे जो है ना एड्रेस है आपका, तो वहाँ पे आपने एड्रेस ही डालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो जिस तारीख को आप रजिस्टर हो जाएंगे वो तारीख आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आप फला तारीख को रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे इसका फादर नेम, अपना फादर नेम जो है आपने डालना है, व्हाट्सअप नंबर हो तो वो भी डाल दें और डेट ऑफ बर्थ डालना है, तहसील और ये सब कुछ यहाँ पे करना है, मोहल्ला मकड़िया वगैरह, तो ये आपने करना है। इसके बाद आ जाते हैं जी आपने क्या करना है, डाउनलोड CV। तो आपने क्या करना है, अपनी CV को डाउनलोड करना है। अब CV में आपने क्या करना है कि आपकी CV जो है वो PDF में होना चाहिए। अगर MS Word या किसी और सॉफ्टवेयर हो तो वो आपकी मसला बनेगा, और इसलिए आपने क्या करने कि CV को PDF में कन्वर्ट करें और फिर जो है यहाँ पे आपने अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाउनलोड CV, तो ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो आपने डाउनलोड नहीं करने, आपने जो है खुद जो है वही डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या करने, PDF की जो CV है वो PDF में बना के यहाँ पे लोड करना है। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे आपकी एड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जनाबी वाला यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है आपने वहाँ पे कर देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से ये कर लेता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स में कर देता हूँ, और इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है तो इंस्टीट्यूट में लिख लेता हूँ हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा, तो मैं ये हज़ारा यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, टोटल मार्क्स देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ टोटल मार्क्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, यानी जो नंबर आपने हासिल किया है टोटल में वो आपने कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऑलरेडी पंचर टेट जो है खुद ही निकाल लेगा ऑटोमेटिक।
तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने रेगुलर किया है तो आपने रेगुलर को टैग करना है, अगर आपने प्राइवेट किया है तो आपने प्राइवेट पे टैग करना है। तो मैं रेगुलर हूँ तो यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं। और यहाँ पे जिस सेशन में आपका ये जो डिग्री है जो आपने कंप्लीट किया है वो आपने डाल देना है। तो मैं कर लेता हूँ वैसे आपको समझाने के लिए 2011, तो यहाँ से आपने सेव कर देना है। ओके, अब दूसरे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पे कर देना है, जो भी है, DIT है, BEd है, MEd है, MPhil वगैरह, तो वो आपने कर देना है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ DIT टोटल मार्क्स यहाँ पे करवा देता हूँ, तो इससे आपको समझाने के लिए मेरे ख्याल से नंबर ज़्यादा होते हैं, 1500 करवा देता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्टेन मार्क्स ले ले 50% निकाल रहा है तो 72% है। तो जो रेगुलर हो और सेशन कौन सा है, सेशन जो है वो 2017 और यहाँ से इंस्टीट्यूट आपने कर देना है। जो भी इंस्टीट्यूट आपका है वो आपने लिखना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ टेक्निकल कॉलेज पिशावर, जो भी है आपने यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यहाँ पे करवा देना है। तो ये जनाब आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपके पास अगर एक्सपीरियंस तो वो डाल दें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ दें। स्कूल अप्लाइड लिस्ट तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप जिस स्कूल में PSP के जो सीट खाली है या आपको लगता है कि वहाँ पे मेरा चांस बन सकता है तो आपने वहाँ पे कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।